सब्सक्राइब कीजिए खबर इंडिया 7 को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट्स सबसे पहले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमेशा प्रधानमंत्री के लिए जब भी बोलते हैं उल्टा ही बोलते हैं, प्रधानमंत्री को कोसते हैं, पीएम मोदी पर आरोप लगाते हैं कि मोदी मेरी हत्या करना चाहते हैं। इसके अलावा केजरीवाल ना जाने पीएम मोदी पर कैसे कैसे आरोप मनते रहे और उन्होंने पिछले 5 वर्षों में एक भी बार पीएम मोदी के लिए अच्छे शब्द नहीं कहे। दिल्ली के विकास के लिए पीएम मोदी को कोसना, दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराना और भी कई ऐसे आरोप अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी पर लगाते रहे। लेकिन अब पीएम मोदी की शानदार जीत के बाद उनकी हेकड़ी निकल गई है। पीएम मोदी की इतनी बड़ी जीत देखकर केजरीवाल घबरा गए हैं। केजरीवाल को अब आने वाले दिनों में अपना भविष्य भी ठीक नहीं दिख रहा और शायद यही वजह है कि उन्होंने पीएम मोदी को जीत की बधाई दी। और देखिए पीएम मोदी के लिए उन्होंने क्या कुछ लिखा। मैं श्री नरेंद्र मोदी को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देता हूं और दिल्ली की जनता की भलाई के लिए मिलकर काम करने की आशा करता हूं। आपने देखा किस तरीके से केजरीवाल ने पीएम मोदी को जीत की बधाई तो दी, साथ ही यह भी कहा कि हम दोनों मिलकर दिल्ली की बेहतरी के लिए काम करें। सवाल यह है कि केजरीवाल यदि पीएम मोदी के साथ पहले से मिलकर दिल्ली की बेहतरी के लिए काम करते तो आज दिल्ली का विकास सातवें आसमान पर होता। लेकिन केजरीवाल को विकास की राजनीति नहीं बल्कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करनी थी और यही कारण है कि दिल्ली वाले अब केजरीवाल को नकार रहे। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी अधिक खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए खबर इंडिया 7 को।